मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई लालबाग से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस को लालबाग इलाके से प्लास्टिक की बैग में 53 वर्षीय महिला की डीकम्पोज डेड बॉडी मिली है। मृतक की पहचान बीना प्रकाश जैन के तौर पर हुई है। काला चौकी पुलिस स्टेशन में मंगलवार शाम को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लालबाग के पेरू कंपाउंड में महिला के फ्लैट से एक अलमारी से प्लास्टिक में लपेटी बीना की लाश बरामद की। पुलिस ने मृतका की 22 वर्षीय बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बीना के भाई और भतीजे को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। उनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। बीना के परिवार ने मंगलवार शाम को काला चौकी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही थी, इसके बाद इस राज से पर्दा उठा। काला चौकी पुलिस स्टेशन मुंबई लालबाग एरिया के एक चौल टाइप घर है, वहाँ से सिंगल रूम के घर में से एक बॉडी हमें मिली है। करीब 9 बजे के करीब पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की गई थी, जिसकी जांच के लिए जब पुलिस टीम हमारी वहां पहुंची तो घर का जायजा लेने के बाद वहां पे एक जो बॉडी है वो मिली है। आगे उसकी जो जांच है इस मामले में जारी। सर, पर महिला की जो बॉडी थी पॉलीथीन में मिली थी या पॉलीथीन बैग में मिली थी? सर, पॉलीथीन प्लास्टिक बैग जो रहता है उस बैग में ये बॉडी मिली है और इसका जो आगे इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम है उसके लिए भेजी गई। जानकारी मिल रही है कि इस मामले में उनके बेटे को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। इस बारे में आगे ये किसने किया, कैसे किया, ये जो है वो FIR दाखिल होने की प्रक्रिया चल रही है और आगे इस इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें ये सब बातें समझ में आएगी। सर, जिस समय बॉडी मिली उस समय उनकी बेटी भी घर में मौजूद थी? हाँ, ये बेटी उस जो है वो लड़की उनके साथ ही उसी घर में रह रही थी, ये बात